Assalamualaikum, Pardesi Squad. जी हाँ, the big face reveal of my Begum Sumaira. Sumaira Begum, जरा घूम जाए. ओए, तू इतने क्या कर रही है? आपकी तो क्या सी? लोग की मेरी वीडियो पसंद करते हैं. भाई अब ये दूजे चैनल्स दफा हो. इतने तेरा कोई काम नहीं. दो दो ब्याह करके पता शोखा ना हो. मैनू जवाब देनी. मैनू जवाब देनी. सॉरी गाइस, दोबारा करते हैं. जी सुमैरा बेगम, जरा घूम जाएं. देखा आपने परदेसी स्क्वाड का पावर? इन्होंने आपसे 50,000 लाइक्स मांगे, 50,000 लाइक्स क्या आपने उसके डबल कर दिया विद इन 2 डेज. और आपने उस व्लॉग पे इतने जबरदस्त प्यारे प्यारे कमेंट्स दिए, दुआएं दी हमें, माशाल्लाह बहुत 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 अच्छा लगा. और लेकिन उसमें ऑब्वियसली 10% लोग ऐसे भी हैं जिसमें उन्होंने लानते भेजी हम पे, अस्तगफिरुल्लाह. लेकिन कोई मसला नहीं, इस तरह की नेगेटिविटी जो होती है वो मैं उसको बिल्कुल इग्नोर करता हूँ, क्योंकि मैं बड़ा पॉजिटिव सा बंदा हूँ, तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन फिर भी ये जो ऐसे लोग होते हैं ना बेगम, ये वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि जो दूसरी शादी को नहीं दिखाना चाहिए, उसको छुपाना चाहिए. छुप छुपीते जो मर्जी करे वो ठीक है, इट्स गुड. नहीं यार, नॉट इन माई बुक्स, आई एम अफ्रेड. आप नहीं जानते कि हमारी सिचुएशन क्या थी और क्या है. यू समटाइम्स गेट टेस्टिंग सिचुएशंस इन योर लाइफ. जो भी अल्लाह ताला की तरफ से आता है अच्छे के लिए होता है, एंड दैट्स व्हाट वी नीड टू रिमेंबर. द मेन थिंग इज वंस अगेन कि हम सब खुश हैं और हम सब मुतमिन हैं एक दूसरे से, हम सब में इक्वली प्यार है. मैंने और लोग ये भी कहते हैं कि तुम अपनी बीवियों को इक्वल राइट्स कैसे दे सकते हो? तुम दे ही नहीं सकते. क्यों नहीं दे सकता? उनकी वीडियो पे मैंने कच्चा पहना था और आज भी ये देखिए मैंने कच्चा पहन के आया हूँ. सुमैरा बेगम जो है वो दी बेस्ट इन द वर्ल्ड है. मैं बहुत खुश नसीब हूँ, बहुत खुश हूँ. ठीक है, देख जितना तू क्या बिल्कुल नहीं मजा आया. दोबारा कर. अच्छा मैं दोबारा कर. हाँ. ये वो औरत है जब मेरे पास कुछ नहीं था, सिर्फ एक कच्चा था, तो ये मेरे पीछे थी. She 100% deserves all the likes and all the blessings. ये बहुत ही प्यारी बेगम है. और मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि ये पहली बीवी है, दूसरी बीवी है, मुझे ये चीजें अच्छी नहीं लगती. मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि ये वो बेगम है जिनके साथ मेरे पहले बच्चे हुए थे. You're welcome. Sumaira जो है वो मुझे बहुत help करती है कैमरे के पीछे, behind the scenes. Yes, there's a lot of work goes in behind the scenes which you guys don't know about. Want to keep making videos for them. और आज special बेगम आई है क्योंकि बेगम actually is very camera shy. I'm the type of person के अपने दिमाग में मैं Kareena Kapoor बन रही हूँ, लेकिन the result is like Shakti Kapoor, so you know. Who is more likely to? तो questions आएंगे और हमने सिर्फ point करना है कि who is most likely कि मैं या ये. Who is most likely to cancel plans last minute? Who takes the longest time to get ready? Who is the most organized? Who is most likely to share their food? Who is most likely to throw a fit? Who is the biggest crybaby when sick? Who is most likely to sleep anywhere? Who makes the most mess? Who is more bossy? Who is most likely to lock themselves out of the house? Who has better taste in music? Who is more talkative? Who is up first in the morning? Who is the better cook? Who loves chocolate more?
Who is most likely to cry at a sad movie? Who is the bad liar? Who is the better decision maker? Who is a better dancer? Who is most likely to do weird things in public? अब हम जाएंगे एक रोमांटिक डिनर पे. ऑफ कोर्स वंस अगेन लकी यू वंस अगेन. हां पहले भी मेरी लग रही थी डबल. आप लोग भी हमारे साथ आए वंस अगेन. लेकिन डिनर से पहले हम गए लेयर सलून, जहां पे बेगम ने सबसे पहले नया नया की और फिर उन्होंने अपने गीले गीले संजय दत्त वाले बाल खुश्क किए और फिर मैंने शोखी मारते मारते अपना भी फेस मास्क लगवा लिया, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस का नहीं पता था. और फिर मेरी बेगम ने अपने बरवट्टे टाइट करवाए. आउच. और फिर मुझे देखिए अचानक कौन नजर आया. बीवियों का तो पता नहीं, लेकिन लगता है कि ये औरत मेरी कभी जान नहीं छोड़ेगी. सवार की कार. अरे कौन कहता है कि लाहौर में खड़ी ट्रैफिक होती है, लेकिन जिसने भी कहा है सही कहा है. एंड ऑफ कोर्स बिफोर द डेट फ्रेश फ्लावर्स. Don't know this as the legendary Aleem Dar's son. Salads, burgers, each and everything. You will get totally, you know, nutritionist diet, fat free. Yes. और आप देख सकते हैं कि इस सैलेड को पर्पल अंडों ने चारों तरफ से घेर लिया है और बेगम ने दिया अच्छा रिएक्शन. अच्छा रिएक्शन 2.0. आपको तो फिर पता ही है, मीठा तो मेरी कमजोरी है. और फिर मैंने फूलों की बारिशों से इस डेट को खलास किया. बारिश. ओह माय गॉड, फूलों की बारिश होने वाला है. बस इतना ही होता है ना और की. ओह माय गॉड, वेरी क्यूट फैन इन द हाउस. तेरे मुंह विच किया. मेरी क्लास खाना मना है. जबरदस्त यार. ये तो आपकी इतनी वीडियोस हैं इसके पास के रट्टे लगाए हैं इसने मुझे. खाना बहुत ही मजेदार था. मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि ये मेरे दोस्त का रेस्टोरेंट है, लेकिन कसम से खाना बहुत मजेदार था. अब हाई कोर्ट से देखते हैं कि वो क्या फैसला देती हैं आज की डेट के बारे में. जी, आज आप इस डेट को क्या रेटिंग देना चाहेंगी? आई विल रेट यू एन 8. चलो जी, वो एक खा गई सी है, दो खा गई है. जी, हाँ, लेकिन क्या वजह भी तो सुना ना? जी जी जी, बताए वजह. क्योंकि नो मैटर व्हाट यू डू, यू आर सो यूनिक. तो आप, यू आर द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड. दैट्स व्हाई आई गिव यू एन 8. ओ माय गॉड, ज्यादा तो ज्यादा तारीफा कर हूं मेरी. ठीक है ना, कि लाइक मेरा हस्बैंड बहुत चंगा है, उन्होंने बड़ी मेहनत की थी आज ली, तो इस तरह की गल्ला कर. ठीक है जी, तो आज आप क्या कहना चाहती हैं? हाँ, तो मेरे हस्बैंड जो है ना बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत ज्यादा अच्छे हैं. उन्होंने इतनी एफर्ट की आज के लिए. ओह माय गॉड, जस्ट ब्रिलियंट, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, अमेजिंग. ओह माय, अच्छा बात से कर रहे हो, ज्यादा ही हो गया, आर्टिफिशियल लगा लापे हूं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप, बड़ा सारा अंगूठा दे दो इस वीडियो नु.
और मैं इस दफा आपको टारगेट नहीं दूंगा लाइक का, क्योंकि मैं देखना चाह रहा हूँ कि आप इस वीडियो को मैक्सिमम कितने लाइक्स दे सकते। यस, आप अपना पावर दिखाएं प्लीज। चलो उन्हें तो पावर ही देखी जाना, उन्हें थक जाएंगे अगले। Do you feel that your wife is very controlling in the relationship? Tell him no. Tell him no, babe. No.